नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले विप्रो के अंदर आई लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में, जहां पे आपको वर्क फ्रॉम होम वर्क फ्रॉम ऑफिस दोनों जॉब मिलने वाला है। पर दोस्तों इस जॉब के अपडेट से पहले मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। अब गाइस देखो, यहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न हमारा यही आता है कि हमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, या रिस्पॉन्स आ रहा तो जॉब नहीं लग पा रहा है। ऑब्वियसली जॉब लगना ही मेन कंसर्न हमारा है। तो गाइस देखो, यहाँ पे एक तो मैं सबसे पहले आपको ये बोलूँगा कि आई होप कि आप सारे जॉब को प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर रहे हो। अब देखो प्रॉपर तरीके मतलब ये कि एक जॉब को अप्लाई करने में कम से कम आपको 15 से 20 मिनट मिनिमम लग जाएंगे। अगर वहाँ पे आपको ईमेल आईडी मिल रही है तो आपको उस ईमेल आईडी पे मेल करने में, प्रॉपर तरीके से अप्लाई करने में, थोड़ी सी रिज्यूम को चेंज करने में, अब रिज्यूम चेंज करना आई हो आपको आता होगा, कैनवा एक बहुत ही ईजीएस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपना रिज्यूम बना करके आप जब भी चेंज करना है फ़ोन में एप्लीकेशन कैनवा में गए, आपने एडिटिंग कर ली और जो भी रिक्वायरमेंट उस जॉब का आपने उस हिसाब से बना करके आपने अपलोड कर दिया। दोस्तों एक तो ये होगा, तो आपको पहले आपको ये ध्यान देना है कि आप सारे जॉब को प्रॉपर तरीके से अप्लाई करो। अब गाइस देखो, मैंने आज दिन में ही तकरीबन 8-9 जॉब के अपडेट डाले, 10 जॉब के अपडेट डाले टेलीग्राम के अंदर। अब उस 10 जॉब को अपडेट को आपको अप्लाई करने में कम से कम आपको यहाँ पे 2-3 घंटे मिनिमम लगने वाले हैं। तो मेरा बस मोटो ये कि क्या आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मेहनत कर रहे हैं, क्या आप अच्छे से पहले अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जॉब बहुत है। तो पहला काम हमें करना है कि हमारा रिज्यूम स्मार्टली बन गया है, हम स्किल को डे टू डे अपडेट कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं, एटलीस्ट हमारा इंग्लिश ठीक ठाक चल रहा है, हमारा एक्सेल वाला पार्ट स्ट्रांग है, हमें बेसिक यहाँ पे चीज़ों की आइडिया है कि सेल्स क्या होता है, कस्टमर सपोर्ट क्या होता है, इसका आइडिया है। एजुकेशन माना मिनिमम ग्रेजुएशन है मान लीजिए, या फिर आप ग्रेजुएशन नहीं भी कर रहे हैं तो ये सब दोस्तों। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना और इसके बाद आपको प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना है। और साथ साथ दोस्तों मैं खुद कोशिश करने वाला हूँ कि मैं आपको मैक्सिमम जॉब के अपडेट दूँ, ताकि आप अगर मान लीजिए मैं दिन भर में 15 अपडेट दे रहा हूँ आपको, कुछ टेलीग्राम में कुछ यहाँ पे, और उनमें से 5 तो मिनिमम सबके लिए होगा, मतलब अगर मैं निकालूँ एवरेज तो 5 तो यहाँ पे हर बंदे के लिए होगा जो कि अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप 5 जॉब भी अप्लाई कर रहे हैं एक दिन में, तो 5 जॉब मतलब 35 जॉब होता है हफ्ते के अंदर, तो 35 जॉब अगर आप हफ्ते में अप्लाई कर रहे हैं और 35-40 के बाद आई एम प्रीटी श्योर कि आप 3-5 इंटरव्यू में तो बैठ ही जाएंगे। तो इतने में तो आपका जॉब कहीं ना कहीं 100% लग जाना चाहिए। और अगर जॉब नहीं लग रहा आपको दोस्तों, तो ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमें अपने रिज्यूम को चेंज करना है, अपने स्किल को प्रॉपर अपग्रेड करना है, इन सारे चीज़ में दोस्तों हमें ध्यान देना पड़ेगा। यही इसका सॉल्यूशन है, कोई और इसका रॉकेट साइंस नहीं होने वाला है। और अगर आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब नहीं मिल रहा तो प्लीज़ वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब कर लो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बाहर निकलो, अगर आप किसी गांव में रहते हो तो प्लीज़ आप, मैं खुद एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ वाराणसी के पास, पर मैं वहां से बाहर निकलना पड़ेगा हमें, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो कुछ टाइम के लिए आप बाहर निकलो, 2-3-4 साल काम करो, अगर आपका स्किल स्ट्रांग हो जाएगा देन आप किसी बड़े कंपनी में वर्क फ्रॉम होम जॉब भी कर सकते हैं। तो इन सारे चीज़ों के लिए आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। अब दोस्तों चलते हैं बेसिकली अपने जॉब की अपडेट की तरफ। गाइस आज की ओपनिंग आपकी होने वाली है विप्रो कंपनी के अंदर। यहाँ दोस्तों आपको वर्क फ्रॉम होम ऑफिस जॉब दोनों मिल रहा है, मेजॉरिटी दोस्तों अब आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब मिलने वाला, पर आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब भी मिल जाएगा। आप 12वीं पास है, ग्रेजुएट, सारे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, और आप पूरे भारत में किसी भी लोकेशन से अप्लाई कर सकते हैं। और गाइस मैं आपको 3-4 वे बताने वाला हूँ अप्लाई करने का, तो यहाँ पे आप ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देख लेना। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही जॉब के अपडेट चाहिए जल्दी से, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ बेल आइकन दबा देना। और दोस्तों मैंने बहुत सारे अपडेट डाले टेलीग्राम के अंदर, तो आप उसको भी अप्लाई जरूर कर लेना। सो दोस्तों आप देख सकते हैं बेसिकली मैं यहाँ पे विप्रो की जॉब ओपनिंग पे आ चुका हूँ। गाइस ये पहला तरीका है, इसके अलावा और भी वे यहाँ अप्लाई करने का, तो यहाँ पे आप पेशेंसली प्लीज वीडियो को आप देखना, ठीक है। गाइस सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ विप्रो के जॉब की ओपनिंग पे, जो कि दोस्तों मेजॉरिटी टाइम ये लोग naukri.com पे ही अपडेट डालते हैं, इनके वेबसाइट पे भी आता है, पर ज़्यादातर इनके जो जॉब होते हैं यहीं पे ही आते हैं, तो आपको मेजॉरिटी ऑफ टाइम यहीं से अप्लाई करना पड़ेगा। अब गाइस देखो, यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं वर्क फ्रॉम होम जॉब के बारे में। तो गाइस देखो, यहाँ पे फिलहाल मैंने यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस कर रखा है, जिसको कि आप फ्रेशर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि यहाँ पे फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों ही लोग यहाँ पे हैं, तो मैं उनके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि आप बिल्कुल फ्रेशर, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको 3 हाइब्रिड के जॉब मिल रहे हैं, 2 आपको परमानेंट जॉब मिल रहे। तो गाइस यहाँ पे एटलीस्ट आप इस 5ों जॉब को अप्लाई कर देना। अब परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब तो आप ऑब्वियसली कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि हम हाइब्रिड की बात करते हैं। तो यहाँ पे पहला जॉब क्या है, ये आपका दिल्ली NCR का है दोस्तों, और ये लोग हायर कर रहे हैं
ग्रेजुएट इंजीनियर का की प्रोफाइल पे, मतलब अगर आप इंजीनियर वगैरह हैं यहाँ पे, आप आपने यहाँ पे बीटेक करिए, बीई करिए, एमटेक करिए, एमसीए करा है, तो ये जॉब आपके लिए होने वाला है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जॉब जो है ये आपका होने वाला है मेडिकल डिवाइस के अंदर, जहाँ पे आई थिंक आप एज ए नॉर्मल ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक जॉब दोस्तों यहाँ अप्लाई कर देना, पर इसका लोकेशन जो ये कोलकाता का, तो वहाँ पे आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब मिल जाएगा, बट लोकेशन जो आपको कोलकाता में रहना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पुणे लोकेशन मिल रहा है, जो कि टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद गाइस यहाँ पे लेबलिंग प्रोसेस का जॉब मिल रहा है, परमानेंट रिमोट, पर गाइस थोड़ी सी पुरानी ओपनिंग है, पर आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इन दोनों जॉब को भी अप्लाई कर लेना। तो यहाँ पर दोस्तों आप मेक श्योर करना कि आप पांचों जॉब को अप्लाई कर लो, और नहीं तो एटलीस्ट आप इन दो जॉब को तो अप्लाई कर लेना, ठीक है। अब गाइस इसके बाद अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ाएंगे यहाँ पे, तो आपको और भी जॉब मिल जाएंगे हाइब्रिड के, देख सकते हैं। तो यहाँ पे 11 हाइब्रिड के जॉब मिल गए, तो आपको दोस्तों यहाँ पे एक ये ओपनिंग मिल रही है, यहाँ पे आपको दोस्तों एक डिजिटल मार्केटिंग ओपनिंग ये रहा ना, देख सकते हैं मैंने ओपन कर रखा है यहाँ पे, ये बेसिकली फिलहाल वर्क फ्रॉम होम जॉब है, तो यहाँ पे 100 ओपनिंग मिल रही है। तो अगर आपको यहाँ पे लीड जनरेशन का आइडिया है, सेल्स में काम करने का आइडिया आपको, या फिर अपना डिजिटल मार्केटिंग में एक दो साल काम करा है, तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पर दोस्तों यहाँ पे देखो, मेन तो मैक्सिमम जॉब आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस मिलने वाला है, पर ये आपको आपके घर के लोकेशन के आसपास का मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना है आपको, हमने फ्रेशर पे चले गए, और इसके बाद यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट के अलावा आपको बहुत सारी ओपनिंग मिल रही है, पर हम यहाँ ऐसा करते हैं, हम सब किसी पर सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम चलते सीधे लोकेशन पे और यहाँ पे बात करते हैं। तो लेट्स सपोज गाइस आप यहाँ बिलोंग करते हैं बेंगलुरु से, ठीक है, तो हम बेंगलुरु का जॉब सेलेक्ट करते हैं, बेंगलोर, ये रहा बेंगलुरु, ठीक है। तो बेंगलुरु पे क्लिक करके हमने अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते देखते जॉब है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं आप, अभी कुछ देर पहले ओपनिंग आई है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे विप्रो में है, ये बेंगलुरु का है, मैसूर का है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ बेसिकली लोग हायर कर रहे हैं कॉन्टेंट रिव्यू का, जो कि दोस्तों कंप्लीटली ये नॉन वॉइस का प्रोसेस है। तो गाइस यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, और ये लोकेशन आपका मैसूर बेंगलुरु का, यहाँ पे आपको होपफुली एचआर के नंबर नहीं मिल रहा, आपको ईमेल आईडी मिल रहा, तो आप ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मोड बोथ वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस दोनों का ही जॉब मिल रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ना, तो आपको यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम भी मिल जाएगा और ऑफिस भी मिल जाएगा। तो आपको थोड़ा सा ऐसे रिसर्च करना पड़ेगा, कई बार इंडियन वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब में भी वर्क फ्रॉम होम जॉब आपको मिल जाता है, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। पर इसका लोकेशन दोस्तों जो है ये बेसिकली मैसूर का या फिर बैंगलोर का होने वाला, ठीक है। अब दोस्तों इसके अलावा अगर हम बैंगलोर के अलावा कोई और लोकेशन चूज करें, तो अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं, जो कि मैक्सिमम ऑडियंस दिल्ली एनसीआर से, तो दिल्ली एनसीआर कर लिया हमने, गुड़गांव भी कर लिया हमने, न्यू दिल्ली कर लिया हमने यहाँ पे, इसके बाद आई थिंक इतना ही ना फिलहाल अप्लाई करा। तो आप गाइस देख सकते हैं आपको बहुत सारे यहाँ पे भी जॉब के ओपन मिले, जो कि कुछ देर पहले सारे जसनाऊ हैं, तो आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस देखो, मेरा बस मतलब मकसद ये बताने का कि वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब अगर आप कर रहे हैं विप्रो में, तो यहाँ पे आपको टॉप क्लास के पर्क बेनिफिट मिलेंगे। कंपनी क्या प्रोवाइड करेगी, 5 डे काम है, 2 वीक ऑफ है, कंपनी में मील है, बहुत अच्छा वर्क कल्चर, तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर देना, ठीक है। अब दोस्तों एक तो ये सारी ओपनिंग होगी अप्लाई करने का, इसके बाद दोस्तों एक और है यहाँ पे, आप देख सकते हैं बेसिकली ये स्वप्निल बंडाल है, जो कि यहाँ पे विप्रो के एचआर मैनेजर है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे भी जॉब मिल रही है, ये बेसिकली आपको हायर कर रहे हैं आईटी सर्विस डेस्क इंजीनियर का दोस्तों। कोई यहाँ पे इंजीनियर की जॉब नहीं, अगर आप एक नॉर्मल ग्रेजुएट भी हैं और आपको टेक का बेसिक नॉलेज है, तो आप यहाँ पे एज ए नॉर्मल ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। अब गाइस देखो, यहाँ पे ये लोग बेसिकली हायर कर रहे हैं आपका आईटी सर्विस डेस्क। अब देख सकते हैं क्या बोल रहे हैं, क्वालिफिकेशन एनी टेक्निकल बैकग्राउंड ग्रेजुएशन, और दोस्तों आप नीचे पाएंगे क्या बोल रहे हैं कि ग्रेजुएशन इन फुल टाइम मोड। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपने ग्रेजुएशन करा हुआ है किसी भी टेक्निकल बैकग्राउंड, जैसे कि बीसीए हो गया, बीटेक हो गया, बीए, तो यहाँ पे इन सारे मोड में इन सारे ग्रेजुएट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। पर अगर आप एक बीए हैं, बीएससी, बीकॉम भी है, और आपका टेक्निकल पार्ट भी आपका स्ट्रांग, जैसे कि यहाँ पे नीचे देख सकते हैं क्या बोल रहे हैं कि टेक्निकल स्किल, मतलब जैसे विंडो का आपको नॉलेज है, एमएस एप्लीकेशन नॉलेज है, वीपीएन का आपको नॉलेज है, जिसका आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, नॉर्मल भी अंडरस्टैंडिंग है, डिटेल नॉलेज नीचे अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, कम्युनिकेशन स्ट्रांग आपका, यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकेशन क्या है, पुणे है, नवी मुंबई है, चेन्नई है, बेंगलुरु है, मैसूर है, हैदराबाद, कोलकाता है, तो ये सारे आपको लोकेशन यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो अप्लाई करने के लिए ये आपको लिंक दे दूंगा, जो कि बहुत बेसिक फॉर्म है, जो कि आपको डालना नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, आपका क्वालिफिकेशन जो भी डाल देना है, एक्सपीरियंस है वो डाल देना, नहीं है तो फ्रेशर कर सकते हैं, और लोकेशन जो आपको प्रेफर है वो करके आप दोस्तों यहाँ पे ये सब बेसिक चीज़ें करके आपको सबमिट करना, ठीक है। और इसके अलावा आपको मैं इनका भी लिंक्डइन का प्रोफाइल दे दूंगा, तो आप दोस्तों यहाँ पे लाइक कमेंट कर सकते हैं, इनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, और आप इनसे भी दोस्तों बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी आपको बैक टू बैक जॉब के अपडेट देते रहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्या बोल रहे हैं कि
इस लोकेशन पे यहाँ पे चल रहा है इंटरव्यू, दोस्तों यहाँ पे इनसे आप कनेक्टेड रहेंगे तो आपको बहुत सारे जॉब के अपडेट मिलते रहेंगे। तो दोनों तरीके से गाइज यहाँ पे आपने अप्लाई कर देना, गूगल फॉर्म तो आपको ऑलरेडी मिल गया है। सो दोस्तों ये थी बेसिकली आज की जॉब की अपडेट। अब गाइज देखो यहाँ पे आप सारे अप्लाई कर देना, दोनों ही तरीके से अप्लाई कर देना यहाँ पे। और आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। स्टिल कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे ऐसे ही एक और नए धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।